यूपी में सियासत की लड़ाई अब भगवे पर आ गई है। प्रियंका गांधी ने भगवा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और बोली कि भगवा सिर्फ योगी आदित्यनाथ का नहीं है बल्कि भगवा देश की धार्मिक और संस्कृति की पहचान है। जिसके बाद यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रियंका गांधी पर पलटवार किया है। दिनेश शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रियंका को भारत की संस्कृति की समझ नहीं है, इसीलिए ऐसे बयान दे रही हैं। ये भगवा आपका नहीं है, ये भगवा हिंदुस्तान की धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा का है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के इसी बयान ने यूपी के सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी। सीएम योगी के पहनावे को लेकर प्रियंका गांधी ने सीधा वार उन पर किया तो पलटवार करने के लिए यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने मोर्चा संभाला। दिनेश शर्मा ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और भगवा को लेकर प्रियंका गांधी की सोच पर सवाल खड़े कर दिए और बोले कि प्रियंका ने हिंदू धर्म का अपमान किया है। ये भगवा आपका नहीं है, ये भगवा हिंदुस्तान की धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा का है, हिंदू धर्म का चिन्ह है। उस धर्म को धारण करिए, उस धर्म में रंज, हिंसा और बदले की भावना की कोई जगह नहीं है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं इस बात पर घोर आपत्ति व्यक्त करता हूं कि कांग्रेस के नेता ने माननीय मुख्यमंत्री को भगवाधारी छोला ग्रहण करने वाला धर्म को धारण करें इसकी सीख दी है। उनको शायद भगवा धर्म के बारे में, भगवा धारण के बारे में और खुद योगी जी के बारे में कि उनका परिवार एक सांस्कारिक हिंदू परिवार है। परिवार तो महात्मा का होता नहीं, लेकिन जिससे मठ से आए हैं वही उनका परिवार है और संस्कारों में वो पले हैं। भगवा धर्म पे, भगवा चोले पे, हिंदू धर्म पे आक्षेप लगाना ये कांग्रेस की आदत बन चुकी है। प्रियंका के हर वार पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बखूबी पलटवार किया। प्रदर्शनकारियों पर हो रही कार्रवाई को लेकर प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार और पुलिस वालों पर सवालों की बौछार की और आरोप लगाया कि सरकार बेगुनाहों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रियंका गांधी से पूछा कि क्या वो हिंसा करने वालों के साथ खड़ी हैं? न्यायिक प्रक्रिया पूरी किए बिना संपत्तियों को सील करने, संपत्ति जब्त करने और अन्य दंडात्मक कार्यवाही पर तुरंत रोक लगाई जाए। शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी जो निर्दोष हैं, उन पर किसी तरह की एकेडमिक और कानूनी कार्यवाही नहीं की जाए। आज वो अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के नाम पर ये भूल गए कि वो दंगाइयों को समर्थन देने का काम कर रही हैं। वो ऐसे लोगों पर जिन्होंने पत्थर चलाए, राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने गोलियां बरसाई, जिनके खाली कारतूस और तमंचे बरामद हुए, उन लोगों के पक्ष में खड़ी हुई दिखाई पड़ी इस बात के लिए कि किस प्रकार से वो वर्ग विशेष को भ्रम में डालकर उनके अपने पक्ष में खड़ा कर सके और बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी से ज्यादा अपने आप को सहायता बना सके। दिनेश शर्मा ने नागरिकता कानून को लेकर प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के सभी नेताओं पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। तो वहीं प्रियंका लगातार नागरिकता कानून के नुकसान गिनाने में लगी हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या नागरिकता कानून ही वो हथियार है जिसके दम पर साल 2022 की लड़ाई लड़ी जाएगी। सवाल ये भी कि आखिर यूपी को जलाने वालों पर कार्रवाई हो रही है तो प्रियंका गांधी को ये शूल की तरह क्यों चुभ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।